रात के विक्टोरिया मेमोरियल ऐसा दिख रहा है, देखिए नाइट व्यू। अभी भी नाइट हुआ नहीं है, शाम होने को आया है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए नाइट व्यू है शाम के मेरे बैक साइड में विक्टोरिया मेमोरियल, ऐसा जलमल जलमल दिख रहा है, तो लाइटिंग ही लाइटिंग है। विक्टोरिया नाइट रिफ्लेक्शन देखिए, वो बिल्डिंग के जो रिफ्लेक्शन है ये पानी के अंदर, तो सुंदर दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल की आज टूर यहीं पे ख़त्म करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। आपको रात को विक्टोरिया मेमोरियल दिखा रहे हैं। देखिए रात के अभी कितने लोग यहाँ पे मेमोरियल के देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। और ये जो जगह है आपको दिखा रहा है, जहाँ लाइटन म्यूजिक एंड लाइटन साउंड जहाँ पे होगा, ये वो जगह है जहाँ पर लाइटन साउंड होने के लिए एक तैयारियाँ चल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से विजुअल लाइटन साउंड दिखाया जाता है, पीछे बाजू विक्टोरिया मेमोरियल है, इनको लाइटन साउंड यहाँ से दिखाया जाता है। मिडिल एकदम बीचों बीच है, मैं ये देख रहे हैं अंदर के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, इतने क्लोजअप हो सकता है मैं दिखा रहा हूँ आपको अंदर। रात हो गए, विक्टोरिया मेमोरियल मेरे पीछे ये है, भाभी जी और दादा आगे चले गए, उनके साथ ही मुझे जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। यहाँ से भी थोड़ा दिखा देते आपको इसी ओर से विक्टोरिया मेमोरियल।
अजगरनाथ मुखर्जी की एक प्रतिमा यहाँ दिखाई दिया मुझे। दादा और भाभी जी आगे आगे जा रही है, दूसरे गेट से निकल जाएंगे। बीच बीच में से लाइटें हैं, देखो अंधेरा अंधेरा है, चारों बाजू देखिए अंधेरा है। यहाँ से कितना दूर से विक्टोरिया में इतना दूर हम चलते आए हैं, ये देखिए इतना दूर हम लोग चलते चलते आ रहे हैं। आगे अंधेरा है तो लंबा छाया, मेरा कितना लंबा छाया दिख रहा है चलते जा रहे हैं। यहाँ से आउट हो रहे हैं, काफ़ी सारा सिक्योरिटी रहता है। हम अभी बाहर निकल चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल के, पीछे देखिए मेरे विक्टोरिया मेमोरियल है अपना, इससे बाहर आ गए हम लोग। ये दूसरी गेट है, उस गेट से हम लोग दूसरे गेट से बाहर आ गए, एक गेट से अंदर गए थे, दूसरे गेट से हम लोग बाहर आए। और अभी हम लोग यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे। ज़्यादा कौन स्टेशन घर हमने मेट्रो अच्छा कोथा चलो हमारे को आपत्ति जब हम चा खाई ना चलो अभी बसबो। ये दूसरी रोड से हम लोग निकले, एक रोड से अंदर गए थे, दूसरी रोड से हम लोग निकल जा रहे हैं दादा बोधी के साथ। दादा बोधी चाय पियेंगे वहाँ पे, मैं बैठूँगा, मैं तो चाय नहीं पीता। चलिए यहाँ से बस भी मिल जाएंगे आपको, ये देखिए धर्मतला ये वो बोल रहे हैं। फवारा चालू है पार्क के अंदर, कलर फवारा, पुलिस पहरा है दिखे। बस वाले को पकड़ा है, क्यों नहीं मालूम, क्योंकि उसने बीच में सिग्नल नहीं था, यहाँ पे आदमी उठाया, इसको फाइन मारेंगे आज ये बस को, पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये रात के कोलकाता, अभी नाइट कोलकाता आपको दिखाते हैं आज। चलो रोड पे ये विक्टोरिया मेमोरियल के पास ही है, दादा बोधी जा रहे हैं अभी, एक रेस्टोरेंट पे बैठेंगे चाय पियेंगे, फिर तो वहाँ पे कुछ मैं वीडियो बनाऊँगा आपको दिखाऊँगा आज कलकत्ता के बारे में। ये वज़न काटे लेके बैठे 10-10 रुपए में वज़न करवाते हैं यहाँ पे। हर जगह पे एक सिचुएशन ही है, हर जगह हर एक ही सीनरी आपको एक ही दिखेंगे, कहीं भी आप जाओगे तो कलकत्ता मुंबई चेन्नई दिल्ली बड़ी सिटी में यही दिखेगा। अभी मैं आज का आपको कलकत्ता का व्लॉगिंग दिखा रहा हूँ, सिर्फ कलकत्ता के बारे में दिखा रहा हूँ। शाम के कलकत्ता नियर विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत कम मैंने नाइट को ऐसा विक्टोरिया का पास घुमा हूँ, आज घूमूंगा, क्योंकि आज क्या है घूमने का दिन है। प्राइवेट बसेस आपको दिखा दे, कितना स्पीड समझ में नहीं आता, कौन सा किधर से आ जाएंगे बसेस, संभाल के चलना पड़ता है इनको देख के। ये देखिए सिग्नल चालू हो गया है, क्रॉस करना नहीं है, सिग्नल चालू हो गया है। बहुत से बाहर से लोग आते पूछते हैं रास्ते के बारे में, अभी सिग्नल चालू नहीं हुआ हमारे, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, वो बस आ रहे देखिए उतने स्पीड से, प्राइवेट बस है, संभाल के चलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सिग्नल अभी भी हमारा शुरू नहीं हुआ है। इतने स्पीड से गाड़ियाँ आ रही है, बंद हो गया देखिए, कहाँ पे गाड़ी खड़ी कर, गाड़ी खड़ी कर दिया, ऐसा गाड़ी चलाते हैं। प्राइवेट बसेस चाउस,
ये हम लोग रविंद्र सदन, ये है रविंद्र सदन। रविंद्र सदन के सामने से लेफ्ट में रविंद्र सदन है, हम लोग रविंद्र सदन के सामने से जा रहे हैं। ऊपर से फ्लाईओवर गया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेज शो होते हैं रविंद्र सदन में, फेमस है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है रविंद्र सदन करके। फोर्थ बांग्लादेश चलचित्र उत्सव कोलकाता 29 अक्टूबर, आज से 2 नवंबर तक बांग्लादेश की जो फिल्म से वो यहाँ पे उत्सव हो रहा है। यहाँ पे बांग्लादेशी बहुत मिलेंगे, सभी बांग्लादेशी आते रहते हैं कलकत्ता में। ये है आपके रविंद्र सदन, क्या क्या फिल्म यहाँ पे दिखाई दे वो दिया हुआ है टाइम पे। बांग्लादेश सरकार की तरफ से यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, फिल्म फेस्टिवल, बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल। तो हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे दूसरी जगह। यहाँ पे नंदन भी है, जिसको नंदन बोलते हैं। ये देखिए नंदन, नंदन ये है नंदन, ये फेमस है। यहाँ पे फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल्स होता है नंदन के अंदर। ये जो नंदन दिख रहा है, यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होता है। ये है नंदन, लोग देखिए नंदन के फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए कैसे लोग लाइन पे खड़े हैं। यहाँ पे पूरे क्यू पे फिल्म, सब फिल्म के फिल्म गौर है, मतलब ये फेस्टिवल जो बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए, यहाँ के लोग ऐसा ही है पूरे फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए। देखिए पब्लिक कैसे खड़े हैं यहाँ, टिकट, सिर्फ टिकट लेने के लिए। तो ये होता है कोलकाता। ये देखिए ये शिशिर मंच, ऐसा काफ़ी सारे मंच है जहाँ पे ये सब फिल्म फेस्टिवल के ये सब प्रोग्राम होता है, इसको बोलते हैं कोलकाता। आज ICL का मैच है, हाँ, इसीलिए देखिए ICL मैच की मस्ती देखिए इनकी। कोलकाता इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये प्राइवेट बसेस बहुत बेकार है यहाँ, बहुत बेकार है पार्क बस। पार्क सर्कस स्ट्रेट गए तो पार्क सर्कस, राइट गए तो टॉलीगंज, लेफ्ट गए तो एस्प्लानेट। ये पुलिस स्टेशन है यहाँ के, साउथ कोलकाता ट्रैफिक के पुलिस स्टेशन ये है। काफ़ी दूर हम लोग चल के जा रहे हैं, दादा बोधी इनके साथ में भी आज घूमेंगे। आज घूमना है हमें पुलिस स्टेशन, मैदान पुलिस स्टेशन है, मैदान के पुलिस स्टेशन। यहाँ पानी की सुविधा है पीने का। काफ़ी बिजी एरिया है, किचन मिचिन, किचन मिचिन बहुत। चलो ना देखे ना होता है ओखने, हल्दीराम, हल्दीराम में जाएंगे, सामने है हल्दीराम। दादा बोली चाय पीएंगे हल्दीराम में, फेमस हल्दीराम कलकत्ता के। एटा के बोले जगह रविंद्र सदन ओखान देखे, पूरा मोर जो है एक्साइड मोर, यहाँ पे एक्साइड मोर बोलते हैं जगह को। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट बसेस मिलेंगे, और सबसे रफ चलता है प्राइवेट बसेस इधर, आपको मैं बता रहा, पहले बता रहा अभी बता रहा। बहुत भीड़ भाड़ एरिया है, रविंद्र सदन एरिया है ये, कितने बसेस है देखिए, भीड़ देखिए बस। रास्ता क्रॉस करने के लिए भारी पड़ रहा है, बहुत भारी है रास्ता क्रॉस करने में। गाड़ियाँ ऐसा चलते हैं क्योंकि अपना सिग्नल के बिना हम लोग निकल रहे हैं,
इसलिए उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है।